आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिलीशियस सी मसाला बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मसाला बैंगन जो है वो एक ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं आज मैंने मसाला बैंगन को किस तरह से बनाया है और इसके लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मसाला बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ये 2 बड़े चम्मच तेल मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसमें बैंगन को ऐड कर देंगे। बैंगन को मैंने धो के और नमक वाले पानी में डिप करके रख दिया था। यहाँ पे बैंगन जो है वो मुझे थोड़े छोटे साइज के नहीं मिले थे, आपको थोड़े छोटे साइज के मिलते हैं तो वो बैंगन लीजिए। अभी लॉकडाउन की वजह से सब्जियाँ जो है वो अच्छी नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे बैंगन जो है वो छोटी साइज के नहीं मिले थे। आपको अगर छोटे साइज के मिलते हैं तो वो लीजिए, उसका सब्जी जो है वो बहुत ही शानदार बन के तैयार होता है। वैसे ये भी जो है वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इसकी सब्जी भी अच्छी बन के तैयार होगी। वैसे तो मैं मसाला बैंगन बना रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बैंगन पसंद नहीं रहता घर में, तो उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़े से आलू भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। वैसे आप चाहें तो सिर्फ बैंगन से इस सब्जी को बना सकते हैं। और अभी बैंगन को सॉफ्ट होने तक इनको फ्राई कर लेना है। मैं इसमें ढक्कन लगा दे रही हूँ जिससे बैंगन जो है थोड़े जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। बैंगन को फ्राई करते हुए 7 मिनट हो गया है, मैंने इसको बीच बीच में खोल के और चेक कर लिया था। ये हमारे बैंगन जो है 70-80% कुक हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह का आपको फ्राई करना है। और आलू भी देखें कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। और अब इनको मैं निकाल लूँगी। बैंगन और आलू को मैंने यहाँ पे बोल में निकाल लिया है, तो चलिए इसका मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए सेम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल मैंने और ऐड किया है। यहाँ पे मैंने ये सरसों का तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म करना ज़रूरी है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे ये 2 लाल मिर्चें। लाल मिर्च तड़के में ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसमें ये मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन के लिए हैं, उसको लंबाई में कट कर लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे लहसुन जो है वो गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें 1 प्याज को मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं कट किया है। और अब प्याज को गोल्डन होने तक भून लेना है। मैं ये तड़के में राई जीरा और मेथी डालना भूल गई थी, आप जब मिर्ची डालें उसके बाद ही ये राई जीरा और मेथी आपको डाल देना है। मैं अभी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो गोल्डन फ्राई हो गए हैं और साथ में जो हमने जीरा और मेथी डाला था वो भी गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें ये 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन ऐड करने के बाद 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कांदा लहसुन मसाला है, रेडीमेड मसाला है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह के पैकेट में अवेलेबल रहता है और ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी जो है वो बन के तैयार होती है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। कांदा लहसुन मसाला जो है वो फ्राई हो गया है। अब इसमें ये लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। दोनों तरह की लाल मिर्चें मैंने ली हैं, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च है। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी है। इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मसाले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए, ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसमें ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है वो ऐड कर रही हूँ। और अभी टोमेटोज़ को भी मसालों के साथ अच्छे से कुक कर लेना है, तो मैं इसको ढक दूंगी और टोमेटो के मैश होने तक इसको कुक कर लेना है। पाँच से सात मिनट हो गए हैं, मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए टोमेटो जो है वो बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है और सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, सारे मसाले जो है वो अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी इस स्टेज पे इसमें 1 कप के अराउंड पानी ऐड कर देंगे। और अभी तक मैंने यहाँ पे नमक नहीं ऐड किया है, अब इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ग्रेवी को मैंने ढक दिया है, 1 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे जिससे ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी पक जाए। 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेवी को कुक कर लिया है। और अब इसमें जो हमने फ्राई करके बैंगन रखे थे वो ऐड कर देंगे। सब्जी हमें ग्रेवी वाली नहीं बनानी है, लेकिन बैंगन को कुक होने के लिए और सारा मसाला जो है बैंगन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए उसके लिए पानी जो है वो ऐड करना पड़ता है। और साइड साइड में ये आलू भी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था।
और अभी इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। 4 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। ढेर सारी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया मैंने बचा लिया है गार्निश के लिए, और इसको ढक देंगे। और जब तक हमारे बैंगन जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते तब तक इनको कुक कर लेना है। 5 से 7 मिनट और लगेंगे। यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गया है, अब मसाला बैंगन को चेक कर लेते हैं। देखिए बैंगन आलू जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। मैंने बीच में एक बार इनका साइड जो है वो चेंज कर दिया था बैंगन का, अब ये बैंगन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अगर आपको इससे भी ड्राई सब्जी चाहिए तो आप इसको खोल के थोड़ा सा और ड्राई कर लीजिए। और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी धनिया की पत्ती और ऐड कर देंगे। और अब इनको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे आमचूर पाउडर को। अब आमचूर पाउडर को लास्ट में ही ऐड करिए, अगर आपने पहले ऐड कर दिया तो बैंगन जो है वो कड़े रह जाते हैं, तो इसलिए उनको लास्ट में ऐड करने से बैंगन जो है वो जल्दी कुक हो जाते हैं। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए और ढक दूंगी। 1 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारा शानदार मसाला बैंगन जो है वो बन के रेडी हो गया। गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अभी इस मसाला बैंगन को आप एंजॉय कर सकते हैं, तो अभी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए। आप इसको स्टीम राइस के साथ, अपने मेन कोर्स के साथ, पराठों के साथ, रोटी के साथ, थेपले के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।